ओके जी, ये नजर आ रहा है आपको ग्राफ जो है? यस सर। ओके अच्छा, लास्ट टाइम हम यहाँ पे थे, यहाँ ये जो हमने इफेक्ट ऑफ डिफरेंट सॉल्वेंट्स ऑन दी डिसोल्यूशन के दो प्रोडक्ट्स हैं उनकी डिसोल्यूशन चेक की थे। सॉल्वेंट, हर सॉल्वेंट में हर एक फॉर्मुलेशन की एक तरह की डिसोल्यूशन नहीं होती, तो इसमें से जो सबसे बेस्ट सॉल्वेंट था वो एसिड था कि जिसमें एक ड्रग की दो डिफरेंट फॉर्मुलेशन जो है वो सेम पैटर्न पे जो है वो डिसोल्यूट हो रही थी। ये बहरहाल जस्ट एक रिवीजन। उसके बाद IVIVC, सक्सेसफुल IVIVC क्यों होता है, कौन कौन से फैक्टर्स हैं विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर अ सक्सेसफुल IVIVC। ठीक है जी, इसमें सबसे पहले द सिलेक्शन ऑफ डिसोल्यूशन मेथड दैट मिमिक्स द इन विवो परफॉर्मेंस, के डिसोल्यूशन मेथड आपने जो है वो कौन सा यूज किया है, डिफरेंट डिसोल्यूशन अपरेटस हैं, USP अपरेटस है। ठीक है, तो एक एक जो है वो कह सकते हैं कि सूटेबल सिलेक्शन ऑफ द डिसोल्यूशन मेथड वो जो है वो डिसाइड करता है कि आपका IVIVC कैसा होगा। कि अगर आपने ऐसा मेथड सिलेक्ट किया है जो कि वाकई ही उसको इन विवो अब्जॉर्प्शन को रिप्रेजेंट कर रहा हो या उसके उसके अकॉर्डिंगली ही रिजल्ट दे रहा हो, तो इसका मतलब है कि आपका जो इन विट्रो इन विवो कोरिलेशन है वो सक्सेसफुल बनेगा। उसके बाद नंबर टू, द नंबर ऑफ फॉर्मुलेशन यूज फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ द कोरिलेशन, जितनी ज्यादा फॉर्मुलेशन यूज करेंगे उतना ही ज्यादा सक्सेसफुल कोरिलेशन होगा। जिस तरह हम वो एक कैलिब्रेशन कर्व प्लॉट करते हैं उसमें भी जितने ज्यादा नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन हम रखते हैं उतना ही अच्छा कर्व प्लॉट होता है। अगर हम दो वैल्यूज लेंगे और उनका सिर्फ एक एक कोरिलेशन देखना चाहेंगे तो वो इतना सक्सेसफुल नहीं होगा, क्योंकि मे बी कोई दरमियान में अगर कोई और किसी और लेवल पे हमने कोई कोरिलेशन देखना है तो वो उसको जो अकॉर्डिंगली कोरिलेट ना कर रहा हो इन विट्रो रिजल्ट इन विवो से, तो फिर जब हम उसको अप्लाई करने लगेंगे तो रिजल्ट उसके जो है वो मिसलीडिंग भी हो सकते हैं। ठीक है, तो जितनी ज्यादा नंबर ऑफ फॉर्मुलेशन यूज करेंगे उतना ही अच्छा या सक्सेसफुल इन विट्रो इन विवो कोरिलेशन जो है वो एस्टेब्लिश होगा। के बाद इंक्लूजन ऑफ फॉर्मुलेशन विद डिफरेंट रिलीज कैरेक्टरिस्टिक्स, अगर आप एक ही तरह की एक अगर आपने इमीडिएट रिलीज टैबलेट ले ली है या एक ही बैच की आपने 6 टैबलेट्स ले गए तो उनकी आपने रिजोल्यूशन देख ली और उसको आपने इन व्यू एब्जॉर्प्शन के साथ कोरिलेट कर लिया, तो वो इतनी अच्छी आप नहीं कह सकते कि ये एक कोरिलेशन आपने इस्टेब्लिश किया, क्योंकि जब कोई डिफरेंट रिलीज पैटर्न के साथ कोई सस्टेन रिलीज आएगी, एक्सटेंडेड रिलीज आएगी, या कोई जो है वो एंटेरिक कोटेड टैबलेट आप यूज करेंगे साथ, तो उसकी फिर कोरिलेशन आप प्रिडिक्ट नहीं कर सकते उसकी इन विवो एब्जॉर्प्शन को इन विट्रो डाटा के साथ। फिर उसके बाद डिजाइन ऑफ इन विवो बायो अवेलेबिलिटी स्टडी, नॉर्मली जितनी भी कोई बायो अवेलेबिलिटी स्टडीज या बायो इक्विवेलेंस स्टडीज जो हम करते हैं वो हम फास्टिंग स्टेज में करते हैं, फेड स्टेट के बाद नहीं करते, क्योंकि फास्टिंग में इंटरफेरेंस मिनिमम है, इफेक्ट ऑफ फूड नहीं है, तो जो भी ड्रग जाके स्टॉमिक के अंदर या इंटेस्टाइन के अंदर उसने एब्जॉर्ब होनी है, तो जब एम्प्टी स्टॉमिक होगा तो उसकी एब्जॉर्प्शन जो है वो ठीक होगी। अगर फूड के साथ देंगे तो फिर फूड का इफेक्ट, ये हम पे पिछले सेमेस्टर में इसको बड़ी डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं कि इफेक्ट ऑफ फूड ऑन द एब्जॉर्प्शन ऑफ ड्रग्स, कि फिर वो फूड की नेचर पे भी डिपेंड करेगा कि फूड किस तरह की है, वो हाई फैट कंटेंट्स हैं या कार्बोहाइड्रेट्स हैं या किस तरह की फूड है, फिर उसकी वजह से वो जो ड्रग है उसकी क्या प्रॉपर्टीज हैं, फिजिको केमिकल प्रॉपर्टीज उसकी क्या है, उसकी लॉग पी क्या है, वो वाटर सॉल्युबल है या लिपिड सॉल्युबल है, और उस हिसाब से फूड किस तरह की है। तो इसलिए जो भी स्टडीज करनी होती है हमने, एब्जॉर्प्शन स्टडीज पर्टिकुलरली बायो अवेलेबिलिटी एंड बायोक्विवेलेंस स्टडीज, या अगर हमने IVIV से इस्टेब्लिश करना है तो वो फास्टिंग स्टेज में करते हैं, फैड स्टेट में सिर्फ उस कंडीशन में कर सकते हैं या जब एक ड्रग ऐसी है जिसको आप एम्प्टी स्टॉमिक नहीं ले सकें, या जो पेशेंट जो है वो अगर एम्प्टी स्टामिक लेगा तो उसको उसकी बहुत सीरियस जो है वो इरिटेशन काज करेगा या टॉक्सिसिटी होगी, तो उस केस में आफ्टर मील इसको यूज कर सकते हैं, अदरवाइज स्टडी के लिए हमेशा इसको फास्टिंग में ही यूज करते हैं। फिर मॉडलिंग अप्रोच, मैकेनिस्टिक आर नॉन मैकेनिस्टिक, मैकेनिस्टिक का मतलब ये है कि आपने सिर्फ वो चंद डाटा सेट्स को लेके ही उनको कंपेयर नहीं कर लेना, उसके साथ जो कोई और भी कोरिलेटिव कुछ फैक्टर्स हैं, जिस तरह अगर आपने एब्जॉर्प्शन को कोरिलेट करना है विद दी इन विट्रो डिसोल्यूशन, तो एब्जॉर्प्शन के मैकेनिज्म को भी आपको जेन में रखना पड़ेगा कि एब्जॉर्प्शन का किस किस मैकेनिज्म के थ्रू होती है, वो जो है एक पैसिव डिफ्यूजन के थ्रू होती है, ऑक्सीलेटेड डिफ्यूजन होती है, उसमें कैरियर ट्रांसपोर्ट होता है। ठीक है, तो ड्रग जिस तरह की ड्रग है उस तरह के हिसाब से आपने उसको
जेन में रख के तो इन विट्रो स्टडी के साथ कंपेयर करना है, ठीक है। अगर आप सिर्फ जस्ट रिजल्ट लेके दोनों के नॉन मैकेस्टिक मीन के आपने सिर्फ जो आपके सामने एक रिजल्ट आया है, जो डाटा आया है, जो वैल्यूज आई है, उन्हीं को आपने कंपेयर कर लिया। मैकेनिस्टिक में ये है कि आपने साथ इसके और भी फैक्टर्स जितने भी उसकी एब्जॉर्प्शन के अंदर अफेक्ट कर सकते हैं या उसकी डिसोल्यूशन पे अफेक्ट कर सकते हैं। डिसोल्यूशन में फॉर एग्जांपल उसकी जो जिस मीडिया में आप कर रहे हैं उसकी पीएच कैसी है या उसके अंदर जो जो रेवोल्यूशन पर मिनट उसकी स्पीड कितनी है, ठीक है। हर जब सारी के सारे पॉइंट्स को या सारे के सारे फैक्टर्स को आप कंसिडर करके एक रिलेशनशिप एस्टेब्लिश करेंगे तो वो ज़्यादा सक्सेसफुल होगा। अगर आप सिर्फ एक दफ़ा आपने एक किसी एक पीएच पे रिजल्ट्स चेक कर लिए उसके डिसोल्यूशन के और उसको एब्जॉर्प्शन के साथ कोरिलेट कर लिया, अगली दफ़ा अगर आपने पीएच उसकी चेंज कर ली है तो फिर उसको आप पहले वाले रिजल्ट के साथ कंपेयर नहीं कर सकते क्योंकि पीएच चेंज होने की वजह से ड्रग की डिसोल्यूशन भी अफेक्ट करेगी। तो इसलिए ये जो पॉइंट्स हैं ये सारे सक्सेसफुल IVIVC के। अब आ जाते हैं फेलियर IVIVC। ये पहले 5 पॉइंट्स क्लियर है आपको सर? थर्ड पॉइंट जरा बता दें। इंक्लूजन ऑफ फॉर्मुलेशंस विद डिफरेंट रिलीज कैरेक्टरिस्टिक्स सर जी। डिफरेंट रिलीज कैरेक्टरिस्टिक्स का मतलब ये है कि अगर आप ज्यादा डिफरेंट तरह की टैबलेट्स यूज करेंगे तो वो ज्यादा अच्छा कोरिलेशन होगा, ठीक है। अगर आपने फर्स्ट करें एक ही तरह की टैबलेट लिया है, इमीडिएट रिलीज टैबलेट आपने यूज किया है इन विट्रो स्टडी के लिए, ठीक है, और उसी इमीडिएट रिलीज टैबलेट की आपने इन विवो स्टडी की और एक कोरिलेशन एस्टेब्लिश कर लिया। जब उस ड्रग की आपने सस्टेन रिलीज बनानी है या उसकी एंटेरिक कोटेड बनानी है या फिल्म कोटेड टैबलेट बनानी है तो उसका रिलीज पैटर्न डिफरेंट होगा, ठीक है ना। तो आपने तो सिर्फ एक ही रिलीज पैटर्न के साथ उसको एस्टेब्लिश किया हुआ है। जितने ज्यादा रिलीज पैटर्न वाली ड्रग्स होंगी करैक्टरिस्टिक्स वाली आप फॉर्मुलेशन यूज करेंगे उतना ही अच्छा कोरिलेशन है क्योंकि बाद में उनमें से जिस भी रिलीज तरह की ड्रग आएगी उससे आप प्रिडिक्ट कर सकेंगे इन विवो एब्जॉर्प्शन को, ठीक है जी। ओके सर। जी सर, ये ग्रुप में ना स्टूडेंट्स मैसेज कर रहे हैं कि वहाँ पे मीटिंग ज्वाइन नहीं हो रही, वहाँ पे आ रहा है कि होस्ट वेट की होस्ट आपको ऐड करे, तो काइंडली उसको चेक कीजिएगा कि कोई वो आपने लगाया हुआ है ये करेक्ट ऐड नहीं हो रहा है। अब वो कर रियाज था शायद, बच्चे वेट कर रहे हैं सर। अदनान, हाँ जी जी सर, ऐड कर लिया मैंने इन्हें, अभी आ जाते हैं, आ गए हैं। ठीक, वो सर मेरा ध्यान इस तरफ आ गया था प्रेजेंटेशन में तो उसकी फिर मैं वो वैसे तो मैं कर रहा था साथ साथ पर। अच्छा जी, अब फेलियर क्यों होता है, क्या क्या ख्याल आपका कि क्या रीजन हो सकती है कि फेलियर, अगर आपने IVIVC एस्टेब्लिश करना जा रहे हैं लेकिन वो हो नहीं रहा, यानी आपने एक दफा टेस्ट किया इन विट्रो, उनको इन विवो के साथ आपने कंपेयर किया, अगली दफा जब आप करने लगे हैं तो वो रिजल्ट उस तरह के आ ही नहीं रहे। सबसे पहले फेलिंग टू मीट द क्राइटेरिया ऑफ इन विट्रो एंड इन विवो एक्सपेरिमेंटेशन, क्या आपने क्राइटेरिया ही एस्टेब्लिश नहीं किया हुआ, कि जो आपका क्राइटेरिया है कि आपने जो एक एक सेट आपका जो एक पैटर्न है जिसमें ड्रग ने जाके डिसॉल्व होना है, मीन के आपने डिसोल्यूशन मटेरियल की जो ऑपरेटर्स है उसकी पीएच ही मेंटेन नहीं की, उसकी जो उसका जो RPM है रेवोल्यूशन पर मिनट वो आपने कभी कुछ चेंज कर रहे हैं तो कभी कुछ चेंज कर रहे हैं, ठीक है, तो कोई सेट क्राइटेरिया आपने डिसाइड नहीं किया तो उस केस में फिर IVIVC सक्सेसफुल एस्टेब्लिश नहीं होगा, ठीक है जी। उसके बाद लैक ऑफ रैंक ऑर्डर कोरिलेशन। रैंक ऑर्डर कोरिलेशन मीन ये है कि जी जब कम डिसोल्यूशन हो रही है तो कम एब्जॉर्प्शन हो रही है, ज्यादा डिसोल्यूशन हो रही है तो ज्यादा एब्जॉर्प्शन हो रही है, जैसे जैसे डिसोल्यूशन बढ़ रही है, यानी एक स्ट्रेट लाइन नहीं आ रही। एक ये है कि एक कर्व लाइन होती है, जिस तरह एक एस शेप कर्व होता है, या कि पहले एक ज्यादा डिसोल्यूशन होने की वजह से एब्जॉर्प्शन नहीं आ रही, फिर एकदम से एब्जॉर्प्शन बढ़नी शुरू हो गई और डिसोल्यूशन नहीं बढ़ रही, तो इस तरह का जो कोरिलेशन होगी वो जो जिसमें एक सीक्वेंस होता है या एक स्ट्रेट लाइन आप कह लें, इसको हम कहते हैं कि ये रैंक ऑर्डर कोरिलेशन है। तो अगर रैंक ऑर्डर कोरिलेशन नहीं आ रही तो इसका मतलब है कि आपका जो IVIVC है वो सक्सेसफुल नहीं है, ठीक है, उसके अंदर फेलियर है। उसके बाद फिर गट वाल मेटाबॉलिज्म। अब मेटाबॉलिज्म ड्रग्स जो है वो जाके GAT में मेटाबॉलाइज हो सकती हैं, लेकिन इस चीज को हम इन विट्रो जो है वो एस्टेब्लिश नहीं कर सकते, तो ये भी एक रीजन हो सकता है फॉर द फेलियर ऑफ IVIVC कि आप एक ड्रग को एक दफा आपने डिसोल्यूशन को एब्जॉर्प्शन के साथ कंपेयर किया तो वो कुछ और रिजल्ट आ रहा है, अगली दफा आपने डिसोल्यूशन को एब्जॉर्प्शन से कंपेयर किया तो कुछ और रिजल्ट आ रहा है, या किसी और पेशेंट में कंपेयर किया तो वो और रिजल्ट आ रहा है, इसका मतलब है कि उसके अंदर जो
जीआईटी के अंदर ड्रग कुछ मेटाबोलाइज होती हैं और कुछ ड्रग जो है वो किसी पेशेंट में मेटाबोलाइज ज्यादा हो रही है, किसी में कम हो रही है, तो वो फिर एस्टेब्लिश नहीं हो रहा आईवीआईवी। उसके बाद फिर ड्रग इंस्टेबिलिटी इन जीआईटी, जाहिर ड्रग जाके अगर कोई एसिड लिबाइल ड्रग है तो वो जाके जीआईटी में जो है वो लो पीएच के ऊपर जाके वो डिस्ट्रॉय हो जाएगी या इंटेस्टाइन के अंदर जाके डिस्ट्रॉय हो जाएगी, तो वो फिर इन विट्रो रिजल्ट के साथ उसको आप कंपेयर नहीं कर सकते, ठीक है। और इस एक्टिविटी को आप इन विट्रो जो है वो इसकी इसको एस्टेब्लिश नहीं कर सकते साथ इन विवो। फिर कॉम्प्लेक्स एब्जॉर्प्शन प्रोसेस, ठीक है, डिफरेंट ड्रग्स जो है वो डिफरेंट मैकेनिज्म के थ्रू एब्जॉर्ब होती हैं, कुछ सिंपल डिफ्यूजन से होती है, कुछ एक्टिव ट्रांसपोर्ट होती है, पैसिव डिफ्यूजन होती है, कुछ के अंदर एक और चीज आ जाती है जो क्या नाम है उसका, जो वेरापामिल वाली जो एग्जांपल थी पी ग्लाइकोप्रोटीन्स ही थी, किसी को याद है अगर, तो जो एब्जॉर्प्शन के बाद जो एक इंटरेक्शन है डाइजॉक्सिन का और वेरापामिल का। यस सर वही थी पी ग्लाइकोप्रोटीन। यस सर, डिफरेंट किस्म के मैकेनिज्म्स हैं ड्रग की एब्जॉर्प्शन के, तो हर मैकेनिज्म जो है वो हर ड्रग फॉलो नहीं करती। तो आपने अगर एक ड्रग का आईवीआईवी से एस्टेब्लिश किया, दूसरी ड्रग जो आप करने लगते हैं तो उसका मैकेनिज्म ही कुछ और है एब्जॉर्प्शन का, और उस मैकेनिज्म में कोई प्रॉब्लम है, ठीक है, या उसने कोई और कोएडमिनिस्टर ड्रग ले लिया है, या फिर वो जो है वो कोई कैरियर मीडिएटेड ट्रांसपोर्ट है अगर, ठीक है, तो उसको फिर आप इन विट्रो के साथ कंपेरिजन उसका या कोरिलेशन नहीं बन सकता, तो ये भी एक रीजन है फॉर द फेलियर। उसके बाद फास्ट एड और फर्स्ट एड, ये पहले डिस्कस कर लिया है कि अगर आपने कभी फास्ट एड यानी पेशेंट ने खाना खा लिया है, कभी नहीं खाया, ये जब हम बायोक्लेंस करेंगे तो उसमें हम डिटेल में देखेंगे कि सारा कुछ, के हम जब वॉलंटियर्स को लेते हैं तो उनके कितने हमने नखरे उठाने होते हैं और उनकी किस किस चीज़ का ख्याल रखना होता है, ठीक है, उनको कितना विजिलेंटली हमने जो है वो ऑब्जर्व करना होता है। तो फास्टिंग जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर फास्टेड नहीं होगी तो आपके सारे का सारा एक्सपेरिमेंट, सारी की सारी जो जितनी भी एनर्जीज लगा रहे हैं आप, फाइनेंस लगा रहे हैं, फंडिंग लगा रहे हैं, टाइम लगा रहे हैं, सारे का सारा जाया हो जाएगा, ठीक है। तो फास्टेड स्टेट जो है ये बहुत जरूरी है फॉर सच काइंड ऑफ स्टडीज। फिर द यूज ऑफ मीन बेस्ड डीकन्वोल्यूशन इंस्टेड ऑफ इंडिविजुअल बेस्ड। अगर आपको लेवल ए कोरिलेशन याद हो, उसमें हमने क्या किया था कि एक टैबलेट के डिफरेंट टाइम पॉइंट्स के ऊपर डिसोल्यूशन का रिजल्ट देखा था, फिर उसी टैबलेट की एब्जॉर्प्शन का रिजल्ट जो है वो डिफरेंट टाइम के ऊपर के कितनी एब्जॉर्ब हुई है, फिर उसका पूरा जो प्लाज्मा कंसंट्रेशन टाइम कर्व देखा था, और हर टाइम की जो जिस जिस टाइम पे सैंपल लिया उसके ऊपर फिर हमने उसकी एब्जॉर्प्शन क्या की थी, परसेंटेज ऑफ ड्रग एब्जॉर्ब, फिर परसेंटेज ऑफ ड्रग एब्जॉर्ब को हमने परसेंटेज ऑफ ड्रग डिसॉल्व के साथ कंपेयर किया था और वो कोरिलेशन एस्टेब्लिश हुआ था, लेवल ए कोरिलेशन जो होता है। उसमें हम जो टर्म यूज की थी मैंने डीकन्वोल्यूशन, के जब एब्जॉर्प्शन वाली जो कंसंट्रेशन है उसमें से परसेंटेज निकालना कि ये आफ्टर 10 मिनट्स कितनी ड्रग की कंसंट्रेशन है तो वो कितने परसेंट एब्जॉर्ब हुई है, ठीक है, वो एक कॉम्प्लेक्स किस्म के कैलकुलेशन है, बहरहाल वो भी सिलेबस का पार्ट भी नहीं है और वैसे भी बड़ा लंबा काम हो जाएगा उसको, तो अभी सिर्फ यही है कि हम परसेंटेज कैलकुलेट कर लेते हैं। तो उसमें हर टाइम पॉइंट के ऊपर परसेंटेज देखनी होती है। ये जो कह रहा है द यूज ऑफ मीन बेस्ड डीकन्वोल्यूशन, कि आपने चार टाइम पॉइंट ले लिए हैं, उन चारों की कंसंट्रेशन का मीन ले लिया और मीन लेकर आपने उसकी फिर परसेंटेज ड्रग एब्जॉर्ब कर लिया, ठीक है, उस तरह अगर यूज करेंगे तो वो फिर आईवीआईवी से एस्टेब्लिश नहीं होगा। दिस इज द रीजन फॉर द फेलियर ऑफ आईवीआईवी। उसके बाद आईवीआईवीसी इज ओवर पैरामीटराइज्ड एंड नॉट फुली मैकेनिस्टिक। ओवर पैरामीटराइज्ड मीन के आपने कोई 10 चीजें कैलकुलेट कर ली हैं, साथ ही आपने कंपेयर करना है सिर्फ उसकी डिसोल्यूशन को विद द एब्जॉर्प्शन, आप उसकी डिसोल्यूशन के साथ डिसइंटीग्रेशन को भी कंपेयर करना चाह रहे हो, ठीक है, या उसके एब्जॉर्प्शन के साथ एब्जॉर्प्शन के कोफैक्टर्स को भी आप देखना चाह रहे हो कि एब्जॉर्प्शन के ऊपर फूड का क्या इफेक्ट है, डिजीज का क्या इफेक्ट है, कोएडमिनिस्टर्ड ड्रग्स का क्या इफेक्ट है, तो बहुत सारी चीजें जब आप करना चाहोगे तो वो फिर आईवीआईवी से एस्टेब्लिश नहीं हो सकती, ठीक है। तो इसको जितना सिंपल रख के और जितना मैकेनिस्टिक रख के आप करेंगे कि एक ही चीज का कंपेयर करें, इन विट्रो डिसोल्यूशन विद इन विवो एब्जॉर्प्शन, ठीक है, डिसोल्यूशन में किस किस चीज का आपने ख्याल रखा है और एब्जॉर्प्शन में किस किस चीज को आपने कंसिडर करना है, उन सबको आप जब कंपेयर करोगे एक मैकेनिस्टिक मेथड से तो वो एक सक्सेसफुल आईवीआईवीसी होगा, अदरवाइज फिर वो रिप्रोड्यूसेबल नहीं होगा। उसके बाद यूज ऑफ डिफरेंट स्केलिंग फैक्टर्स फॉर द फॉर्मुलेशन। ये स्केलिंग फैक्टर क्या होता है कि आपने एक दफा डिसोल्यूशन को चेक किया उसकी,
कि कितने टाइम में कितने परसेंट एब्जॉर्ब हो रही है, ठीक है, उसको आपने उसकी फॉर एग्जांपल उसकी कंसंट्रेशन के साथ कंपेयर किया। एक दफा आपने कंसंट्रेशन यूज की इसकी मिलीग्राम पर लीटर, अगली दफा अगर आप उसकी माइक्रोग्राम पर लीटर यूज कर रहे हो, ठीक है, या मिलीग्राम पर ml यूज कर रहे हो, डिफरेंट आप ये स्केलिंग फैक्टर्स होते हैं ना, कि आप एक ही यूनिट यूज करें हर दफा, ये नहीं कि एक दफा आपने IVF इसे एस्टेब्लिश किया है उसकी कंसंट्रेशन को देख के मिलीग्राम पर लीटर में, और अगली दफा आप इन विट्रो को कंपेयर कर रहे हो विद दी माइक्रोग्राम पर लीटर के हिसाब से, ठीक है, तो वो फिर एक कोरिलेशन ठीक नहीं होगा। तो इस चीज सर क्यों नहीं होगा, ये तो सारे कांस्टेंट है ना, कांस्टेंट चीज है, इसमें क्या मसला है? एक तरफा फॉर एग्जांपल मिलीग्राम पर लीटर और माइक्रोग्राम पर लीटर, ठीक है, हजार गुना का डिफरेंस है इसमें, ठीक है, एक दफा जब आपने एक एस्टेब्लिश किया है मिलीग्राम पर, सर अगली बार हम करेंगे तो हम कन्वर्ट करके करेंगे ना, कन्वर्जन करने इसमें क्या है? अगर हम कन्वर्ट करके करना चाह रहे हैं कन्वर्ट करेंगे तो फिर दूसरी तरफ भी जब आप कोरिलेशन आप बेसिकली कर क्या रहे हो, एक एक्स एक्सिस पे वैल्यू है, एक वाई एक्सिस पे वैल्यू है, ठीक है, जब आपने एक्स एक्सिस वाली वैल्यू को चेंज नहीं किया, उसका उसका यूनिट को चेंज नहीं किया, वाई एक्सिस वाले यूनिट को आपने चेंज कर दिया, पहले वो मिलीग्राम में थी उसको आपने माइक्रोग्राम में कर दिया, तो पूरा स्केल चेंज हो गया ना आपका वाई एक्सिस का, ठीक है, जब वो स्केल चेंज होगा तो आपका वो जो कोरिलेशन उसकी लाइन भी चेंज होगी, ठीक है, तो जिसकी वजह से आप यानी मिलीग्राम को माइक्रोग्राम से आप कंपेयर नहीं कर सकते। अगर तो ड्रग डिफरेंट है कोई, अब कुछ ड्रग्स ऐसी हैं जिनकी जो प्लाज्मा कंसंट्रेशन वो मिलीग्राम पर लीटर में होती है, कुछ ऐसी हैं जिनकी नैनोग्राम पर लीटर में हम चेक करते हैं, यानी ड्रग देते हैं और उसके बाद उसकी कंसंट्रेशन बहुत थोड़ी होती है प्लाज्मा में, और वही उसकी जो है वो इफेक्टिव कंसंट्रेशन होती है। तो जो जो पहले वाले आपने यूनिट यूज किया हुआ है फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ IVABC उसी को आपने यूज करना है नेक्स्ट टाइम, अगली दफा उसके यानी कि स्केल को चेंज नहीं करना, ना वाई एक्सिस के स्केल को चेंज करना है, ना एक्स एक्सिस के स्केल को चेंज करना है, ठीक है। उसके बाद फिर ओके सर एप्लीकेबिलिटी ऑफ IVABC कि उसको आपने अप्लाई कैसे करना है, आपने IVABC को एस्टेब्लिश कर लिया, उसके बाद उसको आपने ये रेजिन से निकल गया, इसका पॉइंट क्या था कि एग्जांपल एक थी बड़ी अच्छी रेजिन में कि बना तो लिया आपने IVABC, ठीक है, लेकिन जब आपने उसको अप्लाई करना है तो कल अच्छी खासी मेरे जहन में एग्जांपल दी जा रही है, चले बार वो याद आ जाएगी शायद मुझे, तो देख लेंगे। अच्छा उसके बाद एक और चीज जो पहले हमने की हुई है अभी जरा दोबारा इसकी बाद में क्योंकि जरूरत पड़ेगी BCS क्लासिफिकेशन, ठीक है, ये आपको बड़ी अच्छी तरह बच्चे ऐड कर दे, क्या आ गए हैं सारे, कोई कोई पेंडिंग नहीं है, सब आ गए हैं, वो मैंने कर लिया, अभी 55 स्टूडेंट्स। BCS क्लासिफिकेशन चार क्लासेस हैं, क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3 और क्लास 4। क्लास 1 में हाईली सॉल्युबल और हाईली परमिएबल ड्रग्स हैं, मीन के क्लास 1 की जो ड्रग्स हैं उनको बायोअवेलेबिलिटी में किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं, ड्रग डिसॉल्व भी बड़ी जल्दी हो जाएगी और एब्जॉर्ब भी जल्दी हो जाएगी। क्लास 2 ड्रग्स की परमिएबिलिटी हाई होती है और उनकी सॉल्युबिलिटी लो होती है, मीन के ये वाली वो ड्रग्स हैं कि जिनकी अगर हम इन विट्रो सॉल्युबिलिटी को रिलेट कर लें उसकी अब्सॉर्प्शन के साथ तो हम इनका बड़ा अच्छा IVABC एस्टेब्लिश कर सकते हैं और वो एक सक्सेसफुल होगा, ठीक है, यानी इसमें जो रेट लिमिटिंग स्टेप है वो उस ड्रग की डिसोल्यूशन है, ठीक है, क्लास 2 के अंदर। क्लास 3 के अंदर वो ड्रग्स हैं जिनकी सॉल्युबिलिटी बड़ी हाई है लेकिन परमिएबिलिटी लो है, डिसॉल्व बड़ी जल्दी हो जाती है, जैसे ही उन्हें जिसकी सॉल्वेंट में डाला वो डिसॉल्व हो गई लेकिन वहां से वो एब्जॉर्ब जो है वो बड़ी स्लो हो रही है। तो इस तरह की जो ड्रग्स हैं उनके लिए ये जरूरी होता है कि वो एक एक होती है एब्जॉर्प्शन विंडो। एब्जॉर्प्शन विंडो मतलब क्या है कि जितनी देर तक ड्रग GIT में और जहां तक एब्जॉर्प्शन होती है वहां तक वो ड्रग उससे पहले पहले डिजॉल्व हो चुकी हो, ठीक है, एक जल्दी डिजॉल्व हो और वो उसको उतना टाइम भी मिले कि वो वहां से एब्जॉर्ब हो। अगर उसको टाइम नहीं मिलेगा क्योंकि परमिएबिलिटी लो है, अभी हम आगे डिस्कस करेंगे हाई सॉल्युबिलिटी और हाई परमिएबिलिटी का मतलब क्या है, इसको हम डिफाइन कैसे करते हैं, तो अगर परमिएबिलिटी लो है इसका मतलब है कि उसे ज्यादा टाइम चाहिए तो उसको फिर ज्यादा देर तक स्टे करना पड़ेगा इन दी एब्जॉर्प्शन विंडो, जहां एब्जॉर्प्शन विंडो मीन के वो पार्ट GIT का जहां से ड्रग ने एब्जॉर्ब होना है,
वहां पे अगर वो ज्यादा देर तक स्टे नहीं करेगी तो वहां से जो वो ड्रग जो है वो उसकी एब्जॉर्प्शन अच्छी नहीं होगी। तो इस तरह की ड्रग्स के लिए फिर हम सस्टेन्ड रिलीज या कंट्रोल रिलीज टेबलेट्स बनाते हैं कि वो ज्यादा देर तक वहां पे स्टे करें, स्लोली स्लोली रिलीज होते रहें और थोड़ी थोड़ी रिलीज होकर थोड़ी थोड़ी एब्जॉर्ब भी होती। क्लास फोर ड्रग्स ना उनकी सॉल्युबिलिटी अच्छी है ना ही उनकी परमेबिलिटी अच्छी है, मीन के ये वो ड्रग्स हैं विच आर नॉट अ गुड कैंडिडेट फॉर ओरल फॉर्मुलेशन, ठीक है, जिनको आप ओरल नहीं बना सकते क्योंकि उन ओरल अगर आप देंगे तो पहली बात है वो जाके डिजॉल्व ही नहीं होंगी, अगर डिजॉल्व हो भी जाएंगी तो एब्जॉर्ब नहीं होगी तो फिर उसका फायदा कोई नहीं है उसको ओरल बनाने में। तो ये क्लास फोर की जो ड्रग्स हैं नॉर्मली वो इंजेक्टेबल्स नहीं बनती, ये इनकी एग्जाम्पल्स हैं। क्लास वन के अंदर प्रोप्रानोलोल, विरापामिल, मेटोप्रोलोल है। क्लास टू के अंदर नेप्रोक्सिन, कीटोप्रोफिन, कार्बामेजिपिन। क्लास थ्री के अंदर रिनेटिरिन, एटिनोलोल, वैनकोमाइसिन है। वैनकोमाइसिन की आपको जो है सॉल्युबिलिटी बहुत हाई होती है, -1.14 उसका जो है वो शायद लॉग पी वैल्यू -4.1, बहुत ज़्यादा हाईली सॉल्युबल है, ठीक है। उसके बाद फिर क्लास फोर के अंदर फिरोसिमाइड और हाइड्रोक्लोरोथायनाइड, ये जो है ये इनकी एग्जाम्पल्स हैं साथ क्लास वन, क्लास टू, क्लास थ्री। अब जी सॉल्युबिलिटी का क्या मतलब है? सॉल्युबिलिटी पहले तो हमने ये डिफाइन किया होना कि जी दी अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट सॉल्यूट डिसॉल्वड इन द गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट। अब ये हाई सॉल्युबिलिटी का क्या मतलब है? ड्रग सब्सटेंस इज कंसीडर्ड हाईली सॉल्युबल व्हेन द हाईएस्ट डोज स्ट्रेंथ इज सॉल्युबल इन 250 ml और लेस ऑफ एक्वस मीडियम ओवर द पीएच रेंज ऑफ 1 to 8। जीआईटी के अंदर जो रेंज है पीएच की वो 2 point something से लेके 8 तक है, यानी स्टोमिक से इंटेस्टाइन तक ये पूरी की पूरी रेंज चेंज होती है। तो इस पूरी की पूरी रेंज में कंसिडर्ड एज हाईली सॉल्युबल व्हेन द हाईएस्ट डोज स्ट्रेंथ, हाईएस्ट डोज स्ट्रेंथ मीन के एक जो भी ड्रग है उसकी जो हाईएस्ट डोज वाली टैबलेट आती है, फॉर एग्जांपल अगर आप ऑगमेंटल लें तो उसकी 1 gram की टैबलेट सबसे जो बड़ी टैबलेट है, ठीक है। अगर आप सिप्रोफ्लॉक्सासिन देख लें तो 500 है, तो अगर ऑगमेंटेड है तो उसकी 1 gram वाली टैबलेट 250 ml वाटर के अंदर जो है वो फ्रीली सॉल्युबल हो जाए तो इसका मतलब है कि वो हाईली सॉल्युबल ड्रग। अब 250 ml वाटर क्यों लेते हैं हम, इसका कोई गैस किसी को कोई आइडिया? जी सर, आई थिंक जो एसिड रिलीज होता है वो 250 ml होता होगा। नहीं, 250 ml हम वाटर के साथ नॉर्मली टैबलेट देते हैं, ठीक है ना, जब हमने कोई मेडिसिन लेते हैं तो एक ग्लास पानी के साथ लेते हैं तो एक ग्लास 250 ml होता है। और इसलिए जो हम बायोकुलेंस स्टडीज करते हैं वो जब बाद में डिस्कस करेंगे उसमें भी जब हमने टैबलेट देनी है किसी वॉलंटियर को तो उसको 250 ml वाटर पूरा देना है और उसको ये इंस्ट्रक्शन होती है कि उसने पूरे का पूरा पानी जो है वो पीना भी है साथ, ठीक है, उस पूरे एक 250 ml वाटर के साथ लेना है। तो यानी हाईएस्ट डोज स्ट्रेंथ एक एक गिलास पानी के अंदर अगर इन सारी की सारी पीएच रेंज के ऊपर फ्रीली डिजॉल्व हो जाती है इसका मतलब है कि वो वाले ड्रग जो है वो हाईली सॉल्युबल ड्रग, ठीक है जी। उसके बाद फिर परमिबिलिटी, परमिबिलिटी का क्या क्या मतलब है? टू बी क्लासिफाइड एज हाईली परमिबल अ टेस्टेड ड्रग शुड हैव एन एक्सटेंट ऑफ एब्जॉर्प्शन मोर देन 90% इन ह्यूमंस, यानी 90% ड्रग जो है वो एब्जॉर्ब हो जाए अगर ह्यूमन के अंदर। अब ये हम कैसे फाइंड कर सकते हैं कि एब्जॉर्ब होगी ड्रग, 90% ड्रग एब्जॉर्ब हुई है या नहीं हुई, इसके लिए फिर डिफरेंट मेथड्स हैं एब्जॉर्प्शन चेक करने के। नंबर वन इन वीवो इंटेस्टाइनल परफ्यूजन स्टडीज, ठीक है, कि इंटेस्टाइनल परफ्यूजन स्टडीज देखते हैं कि जो एक शायद पिछले सेमेस्टर के शुरू में मैंने आपको बताया था जो डोजेज फॉर्म रिकवरी वाला, एक टैबलेट दी है और फिर एक एक किसी कंटेनर के अंदर टैबलेट होती है उसमें से रिलीज होती रहती है टैबलेट और वो फिर फीसिस के साथ कंटेनर वापस आ जाता है, उसमें से फिर देखते हैं कि कितनी ड्रग रिलीज हुई है, मीन के वो उसकी एब्जॉर्प्शन कितने परसेंट हुई है, एक तो ये मेथड है, ठीक है। नंबर टू इन वीवो आर इन सीटो इंटेस्टाइनल परफ्यूजन स्टडीज इन एनिमल, इन सीटो स्टडी क्या होती है? सीटो जो है ये साइट से ऑन साइट, नहीं नहीं इन सीटो मीन सिंथेसिस नहीं, ऑन साइट स्टडी। ऑन साइट स्टडी मीन के आपने एक रैबिट लिया, ठीक है, रैबिट को आपने जो है वो उसको उसकी डाइसेक्शन की, डाइसेक्शन करने के बाद उसकी इंटेस्टाइन को आपने एक्सपोज किया और उसके ऊपर फिर आपने उस पर से टैबलेट को गुजारा इंटेस्टाइन में से और फिर देखा कि कितनी देर के बाद चैम्बर स्टडीज,
चैम्बर स्टडी वो इन विट्रो हो जाएगी, वो इन विट्रो हो जाएगी, इन सीटो मतलब के इंटैक्ट पार्ट ऑफ दी जो है इंटेस्टाइन है, ये इन विवो स्टडी है ना नंबर टू पे, इन विवो और इन सीटो इंटेस्टाइनल प्रोप्यूजन, इन सीटो में इनके ऑन साइट एब्जॉर्प्शन आपने चेक करनी है, जिस तरह आपने जो फार्माकोलॉजी में एक्सपेरिमेंट किए हुए हैं, जो कि एक इंटेस्टाइन के ऊपर मैंने आपको करवाया था शायद सिटाकुलिन का फैक्ट, कि इंटेस्टाइन हमने जो है वो निकाल के उसके ऊपर फिर सिटाकुलिन डाली थी तो उसकी मूवमेंट हमने चेक की थी, उसको हम कहते हैं कि ये इन सीटो स्टडी है, कि एक लाइव से विद इन द सॉल्यूशन क्या सॉरी जी दोबारा बोलें सर विद इन द सॉल्यूशन नहीं होती है स्टडी नहीं 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 इन सीटो स्टडी जो है वो जो ऑर्गन है किसी भी एनिमल का उस ऑर्गन के ऊपर काम, ये जो सिंपली जो आप फार्माकोलॉजी में प्रैक्टिकल करते रहे हो वो इन सीटो स्टडीज थी, जिस तरह आप फ्रॉग का हार्ट निकाल के उसके ऊपर काम करते थे, रैबिट की इंटेस्टाइन पे काम करते थे, वो इन सीटो स्टडी होती है, ठीक है, कि आपने एक्सपोज किया एक पार्ट को और उसके ऊपर फिर आपने ड्रग को एब्जॉर्प्शन चेक किया, ठीक है। उसके बाद फिर नंबर थ्री इन विट्रो परमिएबिलिटी स्टडी यूजिंग एक्साइज ह्यूमन और एनिमल इंटेस्टाइनल टिश्यूज, ठीक है, इसमें ये है कि टिश्यूज को आपने निकाल लिया बाहर, यानी टिश्यूज एनिमल के या ह्यूमन के इंटेस्टाइनल टिश्यूज को निकाल के फिर उसके ऊपर स्टडी की। जो नंबर टू वाली है वो ये है कि इंटैक्ट एनिमल है, इंटैक्ट इंटेस्टाइन है या इंटैक्ट हार्ट है, उसके ऊपर स्टडी है। जो इन विट्रो परमिएशन स्टडी बाय यूजिंग एक्साइज ह्यूमन और एनिमल इंटेस्टाइनल टिश्यूज, के टिश्यूज को हमने निकाला, उसके बाद उनको किसी उसके अंदर जो है वो रिंगर सॉल्यूशन के अंदर रखा, उसको लाइव रखा, लेकिन उसके ऊपर फिर आपने स्टडी की, तो वो इन विट्रो परमिएशन स्टडी हो। नंबर चार इन विट्रो परमिएशन स्टडी अक्रॉस ए मोनोलेयर ऑफ कल्चर्ड ह्यूमन इंटेस्टाइनल सेल्स, इंटेस्टाइनल सेल्स को हम कल्चर भी कर सकते हैं, ग्रो भी कर सकते हैं उन्हें, ठीक है, सेल कल्चर टेक्निक होती है, उसमें फिर हम डिफरेंट सेल लाइंस लेते हैं, कि एक इंटेस्टाइनल सेल लेके उन सेल्स को ग्रो किया, फिर उन सेल्स की जो एब्जॉर्प्शन एबिलिटी को चेक करते हैं कि ये कितने परसेंट इनके अंदर एब्जॉर्प्शन की एबिलिटी है, तो फिर ड्रग की हम परसेंटेज को चेक कर लेते हैं कि जी ये सेल इतने परसेंट ड्रग को एब्जॉर्ब कर रहे हैं, तो इसका मतलब है कि इस ड्रग की परमिएबिलिटी इतने परसेंट है। तो वो वाली ड्रग जिस ड्रग की एब्जॉर्प्शन मोर देन 90% हो उसको हम कहेंगे कि ये हाईली परमिएबल जो है वो ड्रग है, ठीक है, जो हाई परमेबल और हाईली सॉलबल ड्रग्स है ना वो उनकी डेफिनेशन बेसिकली ये हैं, दो कि सॉलबिलिटी उसकी 250 ml वाटर में हाईएस्ट स्ट्रेंथ शुड बी सॉलबल, और परमेबिलिटी में जो मोर देन 90% ऑफ द एब्जॉर्ब ड्रग शुड बी मोर देन 90% ऑफ द एडमिनिस्टर्ड डोज शुड बी एब्जॉर्ब इन द इंटेस्टाइन, तो वो ड्रग जो है वो हाईली परमेबल हम उनको कहेंगे। के बाद डिसोल्यूशन की भी थोड़ी सी डेफिनेशन दोबारा आ गई है, डिसोल्यूशन स्टडीज क्योंकि हम अभी रिसेंटली इन विट्रो इन वीवो किए, तो डिसोल्यूशन स्टडीज के क्या-क्या क्राइटेरिया हैं, एंड इमीडिएटली रिलीज ड्रग प्रोडक्ट इज कंसीडर्ड रैपिडली डिसॉल्विंग व्हेन नॉट लेस देन 85% ऑफ द लेबल्ड अमाउंट ऑफ ड्रग सब्सटेंस डिसॉल्व विद इन 30 मिनट्स, यानी अंदर अगर 100 मिलीग्राम की टैबलेट है तो उसमें से 85 मिलीग्राम अगर 30 मिनट्स के अंदर अंदर डिसॉल्व हो जाती है बाय यूजिंग apparatus 1 at 100 rpm ya apparatus 1 aur apparatus 2 usp apparatus are different, theek hai, unki specifications mujhe nahi idea ki kya hai, lekin ye unka size ka kuch hoga chakkar ki ek ke andar 100 rpm agar speed ke upar 30 minutes ke andar andar 85% drug dissolve ho jati hai to wo highly dissoluting drug hai, theek hai, या अगर दूसरे apparatus के अंदर 50 rpm के ऊपर मोर देन 85% ड्रग डिसॉल्व होती है तो वो हाईली डिसॉल्विंग ड्रग है, ठीक है। और इसके अलावा क्या कंडीशंस है, वॉल्यूम ऑफ 900 ml आर लेस, कि 900 ml वॉल्यूम अगर इससे ज्यादा वॉल्यूम किया है तो फिर उसमें डेफिनेटली फिर वो सूटेबल नहीं है, तो एक स्पेसिफिकेशन है एक रिजोल्यूशन स्टडी, 900 ml वॉल्यूम हो, 100 rpm उसका जो है वो स्पीड हो उस apparatus की, ठीक है, और 85% से ज़्यादा अगर 30 मिनट में डिसॉल्व होती है तो वो हाईली डिसॉल्व है। और फिर वो जो मीडिया है उसकी क्या कंडीशंस है, या तो यानी इन तीनों मीडिया के ऊपर, ये नहीं है कि इनमें से किसी एक के ऊपर वो डिसॉल्व होती है और दूसरे के ऊपर नहीं होती, तो फिर उसको हम हाईली डिसॉल्विंग नहीं कहेंगे, ठीक है। ये तीनों मीडिया कौन सा है, ये बेसिकली एसिडिक से लेके इंटेस्टाइन तक है, एसिडिक मीडिया सच एज 0.1 नॉर्मल HCl आर सिमुलेटेड गैस्ट्रिक फ्लूइड विदाउट एंजाइम, सिमुलेटेड गैस्ट्रिक फ्लूइड मीन के वही वाला फ्लूइड हम सिमुलेट करें
डिसोल्यूटिंग अपरेटस के अंदर जो कि नॉर्मली स्टॉमिक के अंदर होता है, फिर एट पीएच 4.5 ये दोनों का इंटरमीडिएट आप कह लें इंटेस्टाइनल और स्टॉमिक का, एंड एट पीएच 6.8 बफर आर सिमुलेटेड इंटेस्टाइनल फ्लूइड, ये इंटेस्टाइनल जो फ्लूइड है उसके जो है वो उसका उसको सिमुलेट करके हम डिसोल्यूटिंग अपरेटस में, तो फिर उसके अंदर उसकी डिसोल्यूशन चेक करें, तो वो कहेंगे इन तीनों मीडिया के ऊपर 900 ml फ्लूइड हो, 30 मिनट से पहले पहले 85% ड्रग अगर डिसॉल्व हो जाएगी तो उसको हम कहेंगे कि ये हाईली डिसॉल्विंग ड्रग, ठीक है। सॉल्युबिलिटी, परमेबिलिटी और डिसोल्यूशन पहले भी हमने किया है, ये स्पेसिफिकली हाईली सॉल्युबल, हाईली परमेबल और हाईली डिसॉल्विंग ड्रग्स के लिए है ये वाली स्पेसिफिक, ठीक है। जो सर इन वीवो इन सीटो में क्या फर्क है? इन वीवो वो है कि आपने मुझे एक टेबलेट दी, मेरी प्लाज्मा ड्रग कंसंट्रेशन चेक की, ये एक इन वीवो आपने स्टडी की, ठीक है, कि कितनी ड्रग एब्जॉर्ब हुई है। एक मैं एक जिंदा एनिमल है, जिंदा एनिमल है कोई भी, या बैक्टीरिया है, ठीक है, उसके ऊपर आपने काम किया है, ठीक है। इन सीटो ये है कि आपने एक रैबिट लिया, रैबिट को आपने एक्सपोज किया, उसको स्लॉटर किया, या उसको फ्रॉग को देख लें, या फिर फ्रॉग को आपने उसको पहले जो है वो उसको क्या कहते हैं उसको पिथ किया उसको, फिर उसके हार्ट को आपने एक्सपोज किया, लेकिन हार्ट को निकाला नहीं है, उसका हार्ट जो है उसकी बॉडी के साथ काम कर रहा है अभी, ठीक है, लेकिन वो एनिमल आपने सेक्रीफाइस कर दिया हुआ है, एनिमल को आपने डाइसेक्ट किया हुआ है और उसके इंटैक्ट ऑर्गन के ऊपर आपने काम किया, ये इन सीटो स्टडी होती है। फिर जो तीसरी थी इसकी, तीसरी टाइप इन विट्रो परमिशन स्टडी, इन विट्रो ये है कि आपने हार्ट को निकाल के बाहर रख लिया है, हार्ट अब उसकी बॉडी के साथ नहीं है, अब आपने हार्ट के टिश्यूज लिए हैं, हार्ट के टिश्यूज के ऊपर आपने काम किया, तो वो फिर इन विट्रो स्टडी हो, या इंटेस्टाइनल टिश्यूज लिए हैं, इंटेस्टाइनल टिश्यूज के ऊपर काम किया, तो वो फिर इन विट्रो स्टडी हो। और जो परमिशन स्टडी की आपने ग्रो किए हैं सेल्स को दी, किसी एनिमल में से सेल्स को नहीं निकाला, आपने लैब के अंदर सेल्स ग्रो किए हैं, सेल कल्चर किए हैं, ठीक है, फ्रॉम ए सेल लाइन, तो वो फिर इन इन विट्रो स्टडी ऑन कल्चर जो है वो इंटेस्टाइन। कुछ लोग अभी भी आ रहे हैं, तो ये जो है वो आज का बस लेक्चर था, ठीक है, इस पर अभी तक कोई क्वेश्चन है? कल से फिर हम जो है वो बायो अवेलेबिलिटी और बायो इक्विवेलेंस करेंगे। बायो अवेलेबिलिटी पहले हमने थोड़ा सा डिस्कस किया हुआ है पहले सेमेस्टर के बिल्कुल शुरू में, तो जो आपकी एक्सटर्नल एग्जामिनर आती हैं उनका भी बड़ा फेवरेट टॉपिक है ये बायो अवेलेबिलिटी, तो ये इसको ज़रा हम थोड़ा सा ना अच्छे तरीके से करेंगे, इंटरेस्टिंग भी है बोरिंग भी है, ये डिपेंड करता है आपके, अगर तो बोर्ड हो तो उसके ऊपर तो फिर बंदा बड़ा अच्छे तरीके से कर लेता है, तो कोशिश करूँगा मैं कि इसके ऊपर ही सारी चीज़ें आ जाएँ किसी तरीके से, तो डिस्कशन कर लेंगे थोड़ी सी इस पर, कुछ स्टैटिस्टिक्स भी आएंगी, कुछ कहानियाँ भी आएंगी, तो सारा कुछ इंशाल्लाह जो है ना वो देखते हैं, ठीक है जी। चले बाकी कल फिर इंशाल्लाह लेक्चर होता है और ये फिर मैं अभी अपलोड कर दूंगा। ओके सर, गुड नाइट, अल्लाह हाफिज। ओके अल्लाह हाफिज। कामरान।